काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मज़ा आ रहा है। मेरा भी पीसी का मतलब पहला है एक्सपीरियंस है, तो आप लोग देखो मल्टीप्लेयर खेलता आपका भाई, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। देखते हैं इनका, देखते हैं क्या स्कोर होने वाला है, देखते तुम्हारे स्कोर, देखते चिल्लाओ। ओहो 60 आ गया, 60 60 क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक पोस्टर मिलेगा तुम्हें, मेरे को कार्टून से ज्यादा तो रियल वाली मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सौरभ जोशी, सौरभ जोशी एक से एक जबरदस्त वाले पीसी है, ये देख सकते हो, पीसी गेमिंग करनी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये देखो पीसी यार क्या जबरदस्त लग रहा है, देखो मेरी जान। कौन कौन से गेम पसंद है, यही कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह? मुझे एडवेंचर गेम्स पसंद है, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया, गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस, स्टोरी मोड वगैरह। तो यहाँ तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो? सिर्फ मूवी में ही देखा था, मैं लाइव देख रहा हूँ यार। ये देखो ये फीमेल करेक्टर है जो हमने देखी थी, और ये मेल वाले हैं, ठीक है। ये देखो रोक में आपने देखा होगा, है तो थोर का हथौड़ा, ये देखो मेरी जान। तो एक एक तो मूव दिखाओ यार अंकुर भाई। भाई मैं मतलब वो कैरेक्टर नहीं हूं, नहीं 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 ये क्या बात है गाइस, एक और करेक्टर, क्या करेक्टर क्या है ये? माइल्स मोरालेस, माइल्स मोरालेस, तीनों साथ में, तीनों साथ में, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। देखो गाइस नागराज मेरी जान, आप लोग अगर राज कॉमिक्स के दीवाने हो, आपने अगर बचपन में नागराज की यार किसने नहीं पढ़ी यार, ठीक है। तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा हमारी एज का जो मतलब नागराज को ना जानता हो, ठीक है। बिल्कुल भाई, चाचा चौधरी तो बीती बात है, चाचा चौधरी के बाद इन्हीं का इंट्रोडक्शन हुआ था मार्केट। कैसे हो मेरे गेम के दीवानों, आई हो बहुत ही मजे में होगी जैसा कि तुम्हारा भाई है। और आज बैकग्राउंड में आपको गेमिंग कंसोल नहीं देख रहे, ठीक है, आपको देखने को नहीं मिलूंगा। तो आप सोच रहे यार आज भाई आप पहुंच कहाँ गए, ठीक है। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मैं आ गया हूँ आज दिल्ली के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन गोविंदपुरी ओखला, ठीक है, NSIC एग्जीबिशन यहाँ पर लग रहा है, कॉमिक कॉन का इवेंट, जी हाँ, जो कि हर साल लगता है और बीच में एक दो साल मतलब नहीं लगाता, वो कोविड का टाइम था, तो हर साल लगता है। आप लोगों को पता है जो हमारे कॉमिक लवर हैं, जो हमारे गेमिंग लवर हैं, वो सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो पीछे आप देख सकते हो, और यहाँ की टिकट टाइमिंग सब कुछ आप आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और अंदर क्या क्या होने वाला है, बहुत कुछ गेमिंग से रिलेटेड होगा, कॉमिक्स लवर के लिए होगा, तो वो रहा एंट्री गेट, सब कुछ रिवील होने वाला है। चलिए चलते हैं और करते हैं इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। भाई ये देखो मेरी जान क्या बात है, ये है कॉमिक कॉन का एंट्री गेट। तो ये देखो भाई, अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है, ठीक है। तो पार्किंग चार्जेस ये रहे, ठीक है, फोर व्हीलर के 100 रुपीज़ हैं और टू व्हीलर के आपको 50 रुपीज़ पड़ेंगे, ठीक है, और पार्किंग जस्ट ये रही, ठीक है। और चाहे तो गाइज आपको मतलब बुक माई शो पर इसकी टिकट बुक हो रही थी, और नहीं तो आप लोग यहाँ देखो टिकट काउंटर हैं, यहाँ से टिकट भी ले सकते हो, या तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आपकी टिकट कैश भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ लाइन में आपको टिकट मिल जाएगी। गाइज हमने अपने मतलब टिकट पासिस ले लिए हैं, ठीक है, ये देखिए सिंगल डे पासिस, और
11 AM से 8 PM चलेगा, ठीक है। गेट क्लोज हो जाएंगे इसके 7:30 PM, ठीक है। और दिल्ली कॉमिक कॉन मेटा वाले मतलब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 दिसंबर तक चलेगा ये। और ये कुछ देखो, एक टिकट पास है और एक ये कूपन दिया है हमें, ठीक है, और एक ये है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, टिकट ले ली हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ टिकट काउंटर पर टिकट मिल रही है। ये रही टिकट, और चलते हैं अंदर। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पर एंट्री है और आप लोग देख सकते हो मेरी जान क्या आप देख सकते हो गाइस आप लोग। और बिल्कुल देख सकते हो गाइस कितनी एक्साइटमेंट है, और भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। और भी लोग आपको दिखाएंगे, एनिमे करेक्टर होंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो थैंक यू। देख सकते हो आप लोग, यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी है। तो ये देख सकते हो गाइस, मेरी जान एंट्री करती है हमको। ये देखो, एक कूपन मिला था, ठीक है, गुड्डी वाला कूपन। तो उसके मतलब उसको हमने कलेक्ट किया कि हमें ये बैग मिला है, कॉमिक कॉन का बैग, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। वी मिस्ड यू कॉमिक कॉन। तो पिछले साल की यादें ताज़ा हो गई गाइस, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्या बात है, क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, ठंडा पिला दे तो मैं, चलो अंदर आओ, ठंडा पियोगे, ठंडा पियोगे। देखते जो मिल जाए। मिलने वाली है स्टार वॉर्स की मतलब तलवार। क्या, किसकी मिलने वाली है? स्टार वॉर्स जडाई। स्टार वॉर्स जडाई। हाँ जी, ये अंतरिक्ष के करेक्टर हैं जो अंतरिक्ष से ऊपर प्रोटेक्ट करते हैं पृथ्वी को। कार्टून नहीं है भाई, गेम है। स्टार वॉर्स जडाई इसकी वेब सीरीज है, मूवीज है हॉलीवुड में, क्या नहीं है इसका। सबसे फर्स्ट हमारे करेक्टर मिल गए हैं, तो बताना भाई जरा कौन सा कैरेक्टर बने हो आप आज? ओके, मतलब ये कॉमिक है या मतलब कोई वीडियो गेम्स? कॉमिक भी है और वीडियो गेम्स भी है। वीडियो गेम नहीं है। अच्छा, इसका वीडियो गेम नहीं है, एनीमे है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हो भाई एनीमे कैरेक्टर बने हुए, और नाम भाई एक बार रिपीट और करो यार। रियूमन सकुना। ओके, रियूमन सकुना, क्या बात है। आप लोग देख सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे मिल गए हैं, ह्यूमन सकुना। कैसी एक्साइटमेंट है, मतलब अभी काफी एक्साइटमेंट है, नेक्स्ट लेवल। ओए होए, फैन पास जो होगा उसमें ये गिफ्ट। ये देखो गाइस, ये सुपर फैन वालों के लिए मिल रहा है ना। ये देख सकते हो आप, कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट। जी हां गाइस, यहां पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, अब ये 3 दिन चलेगा। तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, मतलब यहां पर आपको गेमिंग का भी मिलेगा, कॉमिक का भी मिलेगा, ठीक है। तो कॉस्प्ले होंगे, और यहां पर मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराकर अगर आप प्राइज जीतते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस मिल सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। तो ये पूरा एरिया बना रखा है, ठीक है, और जो हमारे गेम लवर जो हैं उनके लिए अलग एरिना हो रहा है, गेमिंग एरिना है, उसके अंदर भी चलेंगे, ठीक है। और ये देखो इधर, ये सारा कैंटीन है, ये फूड कोर्ट है, अगर किसी को भूख वगैरह लगी तो यहाँ आप खाना खा सकते हो, ठीक है। और गेमिंग वाले गेम लवर जो हमारे गेम के दीवाने, गेमिंग एरिना ये है, यहाँ जाना है। और जी हाँ गाइस, मैंने आपको बताई दिया, जो कलेक्टेबल चीज़ें हैं, जो फैन होते हैं, कॉमिक के फैन हैं, गेमिंग के फैन हैं, तो मैं अंदर चल रहा हूँ, एंट्री करते हैं और दिखाता हूँ अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। अच्छा, नरूटो ड्रैगन बॉल, गोकू की भी होगी, एनिमे ही है, डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स या एनिमे है ना, उसी से ओनली एनिमे। तो आपको एनिमे के आप लवर हो, आपको मतलब टी शर्ट्स लेनी है, ठीक है, आप यहाँ से मतलब बाय कर सकते हो। एक और न्यू करेक्टर, कौन सा करेक्टर है इनका? पोकेमोन जेनी, मतलब पोकेमोन से ऑफिसर जेनी। ये कार्टून देखते नहीं है ना, इनको इतनी डिटेल नॉलेज है नहीं, ठीक है। पोकेमोन से ऑफिसर जेनी है, आप लोग जानते होंगे, रोज देखते हैं, ठीक है गाइस। तो काफी करेक्टर अभी और भी आने वाले हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो मेरे को कार्टून से ज्यादा तो रियल वाली मतलब ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो गाइस, अवतार फोटो स्टूडियो, ठीक है, यहाँ पर आप अवतार के साथ फोटो खिंचा सकते हो, वीडियो बना सकते हो। ये देखो मेरी जान, ओए होए क्या बात है, वो ये तो रियल लग रहे हैं यार, क्या बात। ये देखो गाइस, मैंने एंट्री कर दी है, मेरी जान, ये देखो यार, सिर्फ मूवी में ही देखा था, मतलब लाइव देख रहा हूँ यार। ये देखो, ये फीमेल करेक्टर है जो हमने देखी थी, और ये मेल वाले हैं, ठीक है, ये देखो। और ये पार्ट सेकंड आ रहा है ना 16 दिसंबर को, तो उसी के मतलब भी यहाँ पर ये रखा गया है, फोटो सेशन चल रहा है। और नीचे का एनवायरनमेंट देखो मेरी जान, क्या बात है, सब कुछ सेम, एकदम रियल एनवायरनमेंट लग रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, क्या बात है। ये देखो गाइस, जिसको मतलब मैं ढूंढ रहा था वो मेरे को आप जाकर मिला है, ये है वो स्टॉल, मेरी जान, आप लोग देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ हिला रहे हैं, ये वुल्वरीन है, ये हल्क है, ठीक है। और जितने भी आपको कुछ मर्चेंडाइज चाहिए डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स या गेमिंग से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हो, ये तो
विचर 3, ठीक है, आप लोग जानती हो, और स्टार वॉर्स और एवेंजर्स, मतलब जितने भी मर्चेंडाइज टॉयज होते हैं ना। और देखो इधर एनीमे के भी यहाँ पर मर्चेंडाइज टॉयज रखे हुए हैं, देखो ये शायद इनमें से गोकू है और ये ड्रैगन बॉल जी का करेक्टर है, आप लोग जानते होगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपको पता ही है, कलेक्टेबल चीज़ें होती है, अगर आपको ये चीज़ें लेनी है तो परचेस कर सकते हो। और भी अंदर बच्चों के लिए टॉयज, अगर कोई भी गेमिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, सब इस स्टॉल पर मिल जाएगा। करेक्टर ये देख सकते हो आप, कौन सा करेक्टर है आपका? ब्लीच एनिमे या मतलब कॉमिक? एनिमे। आप लोग देख सकते हो जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं ना गाइस, आज मेरे को एनिमे या मंगा वाले ही दिखाई दे रहे हैं, हाँ कॉमिक्स वाले कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, गेमिंग के एक भी कैरेक्टर अभी मेरे को आपको नजर नहीं आया, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, एक हमारे भाई एक और कैरेक्टर मिले हैं, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर निभा रहे हो आप? डेडेविल। मेरी जान, मार्वल, क्या बात है यार, मतलब सेक्सी है ना? बिल्कुल, अरे सेक्सी टू सेक्सी भाई, मेरी जान क्या बात है। थैंक यू। और भी गाइज आप लोग देख सकते हो, और भी काफी स्टॉल लग रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और देखो गाइज, मतलब जिसकी मैंने आपसे बात की थी, जैसे डीसी कॉमिक्स, मतलब डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स तो आप जानते ही हो, ठीक है, लेकिन जो अपनी इंडियन कॉमिक्स होती है, राज कॉमिक्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरी जान यार, मेरा दिल खुश हो गया गाइज यार, मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फैन था यार नागराज का। ये देखो मेरी जान, तो मेरे को यकीन था राज कॉमिक्स का स्टॉल भी लगा होगा, बिल्कुल ज़रूर लगा होगा गाइज। और जो हमारे भाई मतलब कॉमिक्स बचपन में पढ़ा करते थे, वो यार ज़रूर रिलेट करेंगे चीज़ से, ये कौन है, जैसे कि हमारे मतलब आयरन मैन है, ठीक है, थोर है, ये मार्वल के करेक्टर हैं, लेकिन ये इंडियन हमारे हीरो थे जो हमारे बचपन में, मतलब नागराज हो गया, सुपर कमांडर ध्रुव हो गया, डोगा हो गया। और ये देख सकते हो आप, राज कॉमिक्स का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, और जो हमारे भाई मतलब राज कॉमिक्स पढ़ते हैं बचपन से उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता बताना चाहता हूँ, इंडियन जो कॉमिक्स इंडस्ट्रीज है ना, उसकी नंबर वन कॉमिक्स है और मेरी भी फेवरेट है। ये देखो, ये सुपर कमांडर ध्रुव है, ठीक है, और ये नागराज है, और किसी की पढ़ी ना हो, पढ़ी हो आपने चाचा चौधरी या बांके लाल की तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्टॉल है, और मुझे लग नहीं रहा था यार राज कॉमिक्स का स्टॉल यहाँ पर लगा मिलेगा, लेकिन ये देख सकते हो यहाँ पर स्टिकर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कॉमिक्स भी आपको लेनी है, मर्चेंडाइज भी है राज कॉमिक्स का, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख सकते हो और भी करेक्टर आपको नजर आते रहेंगे। अच्छा, कौन से एनिमे का है? चेन्सोमैन वीनाओ। चेन्सोमैन। अच्छा, ये कॉमिक करेक्टर है या मतलब गेमिंग? एनिमांगा करेक्टर है। अच्छा, एनिमांगा करेक्टर है, ओके। आप लोग देख सकते हो गाइस, और आज क्रेटोस नजर नहीं आ रहा है, क्रेटोस आयरन मैन किधर है? क्रेटोस, अच्छा जी, चलो गाइस आपको दिखाते हैं यार। अच्छा, दो दो एक साथ तलवार खुलने वाली है अभी, ये देखो, ओए एक बार और चाहिए, वन मोर टेक प्लीज, और ये खुलने वाली है, 1 2 3, ओए क्या बात है, थोड़ा सा मिस हो गया। गाइस फीफा 23 तक आ चुका है, आपको यहाँ पर फीफा 24, 35, 30 भी मिलेगा, क्या बात है, ये देखो, तो बिल्कुल रियल बना रखा है यार टोनी स्टार्क, तो बिल्कुल रियल है भाई, ये रियल है, ये फेस आप लोग देखो यार, मैं मतलब यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, ये पुतला है क्या है ये, अब रियल फेस है यार, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका लेना और मूवी वाले का लेना, मेरी जान भाई, रियल फेसेस बना रखे हैं यार। एसपीटी पावर रेंजर हो ना, ये देखो रेड वाले, ब्लू वाले, क्या बात है, हाँ भाई मैं क्या, ये देखो एसपीटी पावर रेंजर, अरे हाँ भाई, हाँ बिल्कुल वही है, एक नज़र में ही बता दिया था मैंने। भाई यार आप लोग पता है यार, बचपन की सारी यादें यहाँ ताज़ा हो रही हैं, तो सब कैरेक्टर जाने पहचाने हैं, बस टीवी में देखे थे, लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। ये देखो गाइस, और भी करेक्टर कुछ और आ चुके हैं यहाँ पर, ये देखो, ओए ये क्या है भाई, चेन्सो मैन यहाँ पर बने हुए हैं, जैक्सा चेन्सो है ना, हाँ जैक्सा चेन्सो है, ओए होए चेन्सो काट के ही रख दोगे पूरा, देखते इनका, देखते हैं क्या स्कोर होने वाला है, देखते तुम्हारे स्कोर, देखते चिल्लाओ, ओ 60 आ गया, 60
क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक पोस्टर मिलेगा तुम्हें, ये देखो पोस्टर मिलेगा यहाँ पर, ये देखो मैं भी ट्राई करूँगा चिल्लाकर, पोस्टर मिल गया भाई। तो ये देख सकते हो आप गाइस, शज़ैम का भी मतलब यहाँ पर पुतला पुतला लगा रखा है और इसकी भी मूवी आने वाली है, ठीक है। सौरभ जोशी की सस्ती कॉपी देख सकते हो, बच्चों के भी यहाँ पर मतलब कलेक्टेबल चीजें मिल जाएंगी, कॉमिक्स की है मतलब एनिमे की हैं जो भी हैं आप लोग देख सकते हो। ये देखो वो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे टॉयज, तो कलेक्टेबल चीज़ें हैं, कलेक्टेड चीज़ें हैं। आपको ये भी चाहिए तो आप ले सकते हो, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ठीक है। हर तरह का यहाँ पर इंस्टॉल आपको मिल जाएगा लगा हुआ। और जी हाँ गाइस, देखो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, लगने को बहुत कुछ है, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, ठीक है, हमारा मेन मोटिव है गेमिंग। ये देखो ये है हमारे गेम के दीवानों की जन्नत, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप लोग देख सकते हो सब कुछ देखने के लिए है, लेकिन जो हमारे गेम के दीवाने हैं, ये देखो वीडियो गेम्स दिस वे, तो वीडियो गेम्स का खजाना सब कुछ अंदर होना है, मेन चीज़ यही है। तो इसी के लिए आपका भाई आया है, ये सब आपको मतलब मैंने ये इसलिए बताया, आपको कुछ भी परचेज करना है या घूमना है वो ये सब अब यहाँ पर घूम सकते हो, ठीक है गाइस। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है ये देखो मेरी जान क्या बात है, अपने तो इसके लिए आए ना यार, अपने तो गेम के दीवाने हैं ना, तो आपके गेम के दीवानों के लिए मेन जन्नत यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो का पार्ट वन मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में आपको दिखाया मैं कहाँ पर आया हूँ, और ये देखो जितने भी इंस्टॉल वगैरह लगे हुए ना सब कुछ मैंने दिखाया, एनिमे करेक्टर दिखाए, जो भी यहाँ पर हमको मुलाकात हुई सबसे मुलाकात करवाई, क्या क्या आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हो, क्या टिकट प्राइसिंग है, ठीक है, फूड कोर्ट और यहाँ क्या क्या है लगा हुआ, मतलब सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए अब जी हाँ गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखो ये है मेन चीज़ जी हाँ गाइस, जिसका आप सब वेट कर रहे थे और मैं भी वेट कर रहा था, ये हमारा गेमिंग मेन है, ठीक है, गेमिंग अरेना। तो यहाँ तक था मतलब पार्ट वन, ठीक है। गेमिंग अरेना की वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट टू जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही थी गाइस आज की वीडियो, अच्छी लगे उसको लाइक कर देना, शेयर करना, दोस्तों को कर देना, सब्सक्राइब, नीचे व्हाइट कलर का बटन इसको फटाफट से ब्लैक कर दो। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट टू के साथ, जिसमें हम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अंदर गेमिंग अरेना। जी हाँ गाइस सेकंड पार्ट जरूर देखना है आपको, ठीक है। तो फाइनली गाइस हो गई है शाम, और इवेंट मतलब चलता ही रहेगा 2 से 3 दिन, लेकिन हम यार लेट हो रहे हैं, शाम हो गई है, वो रहा मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। ये रहा यहाँ से एंट्री थी हमारी, और आज की मतलब जो भी वीडियो थी काफ़ी मज़ा आया मेरे को, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताना यार, ठीक है, काफ़ी थक गया हूँ यार, और काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, नीचे व्हाइट कलर का बटन इसको व्हाइट कर, नीचे व्हाइट कलर का बटन इसको ब्लैक कर दो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।